भारत में बढ़ती गर्माहट के बीच आइए हम आपको बताते हैं 2000 से लेकर अब तक कैसे रहे भारत कनाडा के रिश्ते, सब कुछ जानिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। 2021-22 में भारत कनाडा के बीच 7 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ था। 2022 द्विपक्षीय व्यापार 12 अरब कैनेडियन डॉलर तक पहुंच गया, यानी कि 2021 से कुल 47% अधिक का व्यापार हुआ। 2022-23 में यह आंकड़ा 8.16 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। 2022-23 में कनाडा ने 4 अरब डॉलर से ज्यादा का सामान भारत में निर्यात किया था। वहीं भारत ने भी कनाडा में करीब 4 अरब डॉलर का निर्यात किया था। 2000 से लेकर 2023 तक अब तक कनाडा भारत में 4 अरब डॉलर का निवेश कर चुका है। कनाडा की 600 कंपनियां भारत में काम करती हैं। तो एक तरफ जहां भारत कनाडा को फार्मा, कपड़े और केमिकल्स निर्यात करता है, तो वहीं कनाडा भी भारत में दाल, सब्जी, न्यूज़प्रिंट और वुड पल्प जैसे जरूरी सामग्री निर्यात करता है। आपको बता दें 2010 में भारत कनाडा का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी रहा था। कनाडा में पढ़ रहे विदेशी स्टूडेंट्स में सबसे अधिक मात्रा में भारतीय स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। जरा गौर करिए आप, 13 लाख से अधिक भारतीय अब कनाडा में पढ़ रहे हैं। 2010 में एफटीओ को लेकर कनाडा भारत के बीच बातचीत शुरू हुई थी, मगर उस पर 5 साल तक का ब्रेक लग गया था। फिर 2022 में फिर से बातचीत शुरू हुई, मगर कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। कनाडा के व्यापार मंत्री 2023 में G20 समिट के बाद अक्टूबर में भारत आने वाली थी। माना जा रहा था कि एफटीओ को लेकर इस बार बातचीत सफल रहेगी, लेकिन उससे पहले ही कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के खिलाफ और खालिस्तानियों के समर्थक में ऐसा कुछ बयान दे दिया, जिसके बाद कनाडा भारत के रिश्तों के बीच कड़वाहट पैदा हो गई।